जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे ही केदारनाथ धाम से जुड़े लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस समय केदारनाथ धाम में माहौल और मौसम कैसा है। तो आप सभी को बता दूं, पिछले 4 सप्ताह से केदारनाथ धाम में एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई है और 2024 में अभी तक बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। लेकिन इस समय तक पहले केदारनाथ धाम में भयंकर बर्फबारी होती थी और धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम जाती थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और फिलहाल केदारनाथ धाम में कहीं भी बर्फ नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ एक और जरूरी अपडेट आप सभी को देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप सभी फेसबुक पर पोस्ट देखते हैं केदारनाथ यात्रा से जुड़े सर्विस को लेकर, जैसे कि होटल बुकिंग, गाड़ी बुकिंग, यात्रा पैकेज, हेलीकॉप्टर बुकिंग, तो मैं भी इस समय देख रहा हूं कि फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप और पेज हैं जहां पर केदारनाथ धाम से जुड़े सर्विसेज को लेकर बुकिंग लोग ले रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फेक बुकिंग ले रहे हैं और सिर्फ केदारनाथ के श्रद्धालुओं से पैसे की ठगी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु फेसबुक पर ऐसे ही पोस्ट देखकर अभी से ही हेलीकॉप्टर, गाड़ी और होटल की बुकिंग करवा लेते हैं। तो आप सभी को मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि फेसबुक, गूगल पर कहीं भी आप सभी एड्स और पोस्ट देखकर बिल्कुल भी बुकिंग मत करिए और किसी भी चीज़ का बुकिंग करने से पहले पूरी तरह से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए बुकिंग करिए। और एक बात आप सभी हमेशा याद रखिए, हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही होता है। इसके अलावा आप सभी ऐसे ही किसी को पैसे दे देंगे तो वो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। और बहुत सारे लोग अभी से ही हेलीकॉप्टर टिकट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि मुझे 2024 यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग करवानी है। और ऐसे में जो फ्रॉड लोग हैं वे उनसे अभी से ही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जब भी कपाट खुलेंगे उसके बाद आपसे वो बुकिंग ले लेंगे, आप लोग भी बुकिंग करवा लेंगे क्योंकि उसका नंबर और पोस्ट आपके पास सेव होगा। तो आप सभी अगर ऐसा किए हैं, किसी का नंबर और पोस्ट सेव किए हैं, तो उसे डिलीट कर दीजिए क्योंकि वे बिल्कुल फ्रॉड लोग हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप सभी फेसबुक से पोस्ट देखकर हेलीकॉप्टर की बुकिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। और इसी के साथ होटल के नाम पर भी बहुत ज़्यादा बुकिंग लिया जाता है और आपसे पैसे भी एडवांस में ले लिया जाता है। तो यात्रा से जुड़े जो भी सर्विस आपको चाहिए उसका अपडेट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और मेरा फिलहाल यही मकसद है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका 1 रुपया का ठगी कहीं ना हो, उनका 1 रुपया कहीं भी ना फंसे। और आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप सभी को पूरी जानकारी इस वर्ष दिया जाएगा जिससे आप सभी को काफ़ी फायदा भी होने वाला है। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर फ्रॉड हो गया था, उन लोगों से होटल के नाम पर भी फ्रॉड किया गया था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को पहले ही वार्निंग दे देता हूं। क्योंकि इस समय फेसबुक पर देख सकते हैं बहुत सारा एड्स चलाया जा रहा है, गूगल पर भी बहुत सारा एड्स चलाया जा रहा है जहाँ पर केदारनाथ यात्रियों को झांसा दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी बच कर रहिए और कहीं भी बुकिंग मत करवाइए। आप सभी बिंदास रहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरे चैनल के द्वारा किया जाएगा। और मेरा भी यही मकसद है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका 1 रुपया का कहीं भी ठगी ना हो। तो आप सभी भी मेरा साथ दीजिए और ऐसे फ्रॉड और जालसाज लोगों से बच के रहिए। और दोस्तों, केदारनाथ धाम में जब भी बर्फबारी होगी उसका दर्शन मैं अपने चैनल पर आप सभी को करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए जो भी केदारनाथ यात्रा 2024 पे आना चाहते हैं। क्योंकि वे लोग और जो लोग नए होते हैं वे लोग जल्दी फंस जाते हैं ऐसे जालसाज लोगों के चक्कर में। तो आप सभी उन सभी तक वीडियो पहुँचा कर उन लोगों को ऐसे फ्रॉड होने से बचाइए। जय श्री केदार, हर हर महादेव।